कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। तुम लोग सो गए हो, 73% में दम नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तुम में दम नहीं है, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ में युवाओं से कहा, युवाओं के साथ साथ उस 73% आबादी से कहा जिनके हक का सवाल वे उठा रहे हैं, उससे यही लगता है कि यूपी से राहुल गांधी को खास उम्मीद नहीं। जनता को जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है, ऐसी ललकारों से यूपी की राजनीति अब सुन्न हो चुकी है। राहुल गांधी ने पूरे दम से युवाओं को चुनौती दी कि अगर आपको अपने मुद्दों में यकीन है, बदलाव चाहते हैं, तो मोबाइल फोन और धर्म के असर से बाहर आ जाइए, थोड़ा दम दिखाइए जो आप में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़कियों ने प्रियंका के साथ लड़ने का फैसला नहीं किया, चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं मिला। राहुल गांधी यूपी के युवाओं से कह रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम खुद जिसे गलत मानते हो उसे रोक नहीं पा रहे, तुम में दम नहीं। मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय एक विज्ञापन आया था, अमिताभ बच्चन उसमें कहा करते थे, यूपी में दम है, लेकिन राहुल गांधी ने पेपर लीक से लेकर अच्छी सैलरी की नौकरी ना मिलने से निराश परेशान युवाओं से साफ साफ कह दिया कि इसके जिम्मेदार आप ही हैं, इसे बदलने का दम आप में नहीं है, आपने इसका विरोध प्रतिरोध ठीक से कभी किया ही नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे वो, क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने? देखो हो रहा है, आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में, 73% में दम नहीं है। सुलारक, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोगों, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा, 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बहुत आक्रामक नजर आए। यूपी की राजनीति में कांग्रेस को जमीन नहीं मिल रही। वह तमाम मुद्दों पर जनता के साथ आती है, लेकिन मतदान केंद्रों पर जनता कांग्रेस के साथ नहीं जाती है। इस बीच यूपी में राहुल की यात्रा समाप्ति की तरफ है, मगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ जीप की सवारी पर निकले और एकजुटता का संदेश दिया, उत्तर प्रदेश में ऐसा नजर नहीं आया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने की खबरें ही आती रहीं।
क्या राहुल गांधी अब अपने दम पर उत्तर प्रदेश में जमीन बनाने की कोशिश करेंगे? समय अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी इस तरह के इशारे नहीं करती। विधानसभा चुनावों के बाद से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे लेकर कहा जा सके कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। और इस यात्रा से भी कांग्रेस क्या इतना आत्मविश्वास बटोर सकी है कि वह लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का जोखिम उठाएगी? तब सवाल उठता है कि लड़ने लायक 80 उम्मीदवार कहां से लाएगी? उत्तर प्रदेश में जब भी भर्ती और परीक्षा में धांधली का सवाल आया, राहुल गांधी ने लगातार बोला तो अखिलेश यादव ने भी, लेकिन लगता है अभी राहुल गांधी को युवाओं का भरोसा नहीं मिला। फिर भी इस यात्रा के दौरान भी बहुत सारे युवा अपनी परेशानी को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। राहुल ने उनकी बातें सुनी। राहुल समझ रहे हैं कि समस्या कहां है, इसलिए वे युवाओं तक पहुंचने के लिए लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। मगर क्या उनका यह तरीका यूपी के युवाओं को झकझोर पाएगा? आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे सात आठ घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है, आप लोग वीडियो देखते हो। अब हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है उसने, भैया क्रिकेट शॉट मारी कभी जिंदगी में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। यह सच्चाई है। तो मैंने कहा कि देखिए क्रांतिकारी कदम, सबकी गिनती करनी है। इस देश में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, उनके हाथों में कितना धन है? इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कौन सी जात है, उनके पास कितना धन है? आदिवासियों के पास कितना धन है? दलितों के पास कितना धन है? मतलब जाति जनगणना। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को और साफ साफ बोलना चाहिए कि व्हाट्सएप में क्या आता है, कौन भेजता है, कैसे युवाओं के दिमाग पर उसका असर होता है, कैसे झूठ सत्य के ऊपर छा जाता है। इस तरह से नहीं बोलने के कारण कई लोगों को लगा कि राहुल गांधी युवाओं को उपदेश दे रहे हैं, राजनीतिक बात नहीं कर रहे, केवल यही कह रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। राहुल गांधी ने मोबाइल कल्चर पर अचानक हमला नहीं किया होगा, उन्हें पता होगा कि इसी मोबाइल फोन के जरिए 2014 के बाद भारत की राजनीति में व्हाट्सएप कल्चर आया, झूठ नशा बनकर घर घर में फैल गया। 11 फरवरी 2021 का एक भाषण आपको सुनना चाहिए। यह भाषण अमित शाह का है, कोलकाता में आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का दो ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर कर अंदर डालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी, मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप का जाल बिछाने और वीडियो कंटेंट फैलाने में बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है। जिस तरह के वीडियो कंटेंट बीजेपी के नेताओं के चल रहे होते हैं, कांग्रेस के किसी नेता के शायद ही नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जब भी जाइए, किसी बीजेपी नेता या समर्थक का वीडियो तैरता मिलेगा। यूपी में जो भी नेता बनना चाहता है या नेता बन चुका है, धार्मिक संगीत लगाकर अपना वीडियो बनवा रहा है। धार्मिक संगीत उत्तर प्रदेश की राजनीति का बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया है।
इसके बिना किसी भी वीडियो में आपको कोई भी नेता चलता फिरता दिखाई नहीं देगा। वह स्लो मोशन में भजन की धुन पर इस तरह चलता आता है जैसे विधायक नहीं देवलोक से कोई देवता आ रहे हों। अच्छा अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा, सबने देखा, मुझे बताओ उसमें आपको अदानी दिखा, उसका चेहरा देखा, अंबानी का चेहरा देखा, अमिताभ बच्चन का देखा, ऐश्वर्या राय का देखा, कोहली का देखा, किसी किसान का देखा, किसी मजदूर का देखा, किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा? आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। क्या जाति के प्रतिनिधित्व के सवाल से राहुल गांधी राजनीति में धर्म के वर्चस्व को तोड़ पाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस के लिए यह मुद्दा नया है, अभी इस मुद्दे के सहारे विश्वास बनाने में समय लग सकता है। इससे पहले कांग्रेस ने जाति के इस तरह के सवालों को लेकर कभी अपना अभियान नहीं चलाया। यूपी की राजनीतिक संस्कृति बाकी राज्यों से बहुत अलग नहीं है, मगर कुछ तो फर्क है। एक ऐसे दौर में जहां हर तरह का अधर्म करने वाला नेता धार्मिक लबादा ओढ़ चला है, मान्यता पा चुका है, राहुल गांधी पैंट शर्ट में युवाओं से कह रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है, जिधर ध्यान भटकाया जा रहा है, कम से कम उसे तो समझो और देखो। कुल मिलाकर यूपी की सभाओं में राहुल वोट मांगने वाले नेता नहीं लगे, वोटर को सुधारने समझाने वाले वक्ता नजर आए। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषभ? क्या ऋषभ सिंह, ऊपर आओ। आओ ऋषभ सिंह को ऊपर लाओ। अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, एक मिनट में समझाने जा रहा हूं। ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं, मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं, मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है, पहला काम क्या करेंगे? वो ऋषभ उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख वो क्रिकेट। पहला काम ये, फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो ये पीछे से बंदा आएगा जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी, वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी, और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा, हाँ ये दो डंडा दो, और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो, और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे डंडा लिए खड़ा होगा, अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया,
बात समझो आप। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं, मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता, ये सोशल मीडिया में फैलाओ, आप सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा। अच्छा, सोशल मीडिया को भी वो अमेरिका से कंट्रोल कर रखा है। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था, मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। पूरे भारत के स्तर पर देखिए, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, यह सबको पता है, लेकिन क्या यह राजनीतिक पहचान या भागीदारी का मुद्दा बन सकता है, चुनावी मुद्दा बन सकता है? उत्तर प्रदेश के युवाओं को ठीक से पता है कि उनकी और उनके घर की हालत क्या है। शायद राहुल गांधी उनकी बात सही तरीके से रख भी रहे हैं, लेकिन जब युवाओं ने ही तय कर लिया है कि उन्हें राहुल की सही बात के साथ नहीं जाना है, तब क्या किया जा सकता है? युवाओं के लिए सही बात कुछ और है। राहुल गांधी ने सोचा होगा कि पेड़ को झकझोर देने से पत्ते गिर जाएंगे, पत्ते गिर सकते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति और प्रचार तंत्र के कारण अब कोई भी बात राहुल या अखिलेश की सभा के मैदान के बाहर नहीं पहुंच सकती। सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएगी, लेकिन उनकी बात उन्हीं तक रह जाएगी। परेशान युवाओं के अलावा शांत युवाओं तक पहुंचने का रास्ता विपक्ष के लिए बंद हो चुका है और देर हो गई है। प्रतापगढ़ और अमेठी में पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी के सवाल को राहुल गांधी उठाते रहे। सरकारी से लेकर प्राइवेट नौकरियों में 73% आबादी की बेहद कम हिस्सेदारी को उजागर करते रहे। यह सब सही मुद्दे हैं और विपक्ष को यही करना भी चाहिए, लेकिन केवल इन सही मुद्दों की बात करने से जमीन नहीं मिलेगी, यह भी याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कहाँ है? सबसे पहले संगठन खोजना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं और 1 सांसद। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा 28 फरवरी तक होनी थी, मगर अब 21 फरवरी तक ही रहेगी। चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी के बाद रायबरेली तक ही यात्रा यूपी में रहेगी। यूपी की राजनीति की धारा बदल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के लंबे दौर के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा का दौर चल रहा है। भाजपा अपनी राजनीति के प्रति इतना आश्वस्त है कि वह जाति की गणना के सवाल से विचलित नजर नहीं आती। इसके बीच जब से जाति की जनगणना को लेकर राहुल गांधी मुखर हुए हैं, यूपी की जमीन पर उनका इस तरह से सघन दौरा नहीं हुआ। कायदे से इस सवाल को लेकर उन्हें सबसे पहले यूपी में ही तपना चाहिए था, चलना चाहिए था। न्याय यात्रा के दौरान वे जिस तरह से जाति की जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, वो तभी जनता तक पहुंचेगा जब टीवी दिखाएगा, अखबारों में खबरें छपेंगी। अभी तक राहुल गांधी और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के अखबारों को पढ़ लिया होगा। उम्मीद है यात्रा से संबंधित खबरें उन्हें कहीं नजर आ गई होंगी, सिंगल कॉलम में दिख गई होंगी। 38 दिनों से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर हैं। केंद्र में आने पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और MSP की गारंटी देने का वादा कर चुके हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात को मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया। जिस आरक्षण पर राजनीति बात बात में गर्मा जाती है, राहुल के इस ऐलान को नोटिस तक नहीं लिया गया। मीडिया वाले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा।
जाति की गणना के सवाल को लेकर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी, तीनों जगह कांग्रेस हार गई। इसके बाद भी राहुल गांधी इस सवाल को लेकर न्याय यात्रा पर निकले हैं। जाहिर है राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे के प्रति उनका यकीन गहरा हुआ होगा, इसलिए वे जाति की गणना की बात लगातार करते जा रहे हैं। हार के बाद भी इस मुद्दे के प्रति उनकी गंभीरता का पता चल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए तो इन मुद्दों पर विपक्ष के बाकी दल उस तरह से बात नहीं करते। वे जाति की गणना के समर्थक हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर यह नहीं बताते कि कैसे चंद लोग ही इस देश में अमीर हो रहे हैं, कैसे तमाम संस्थाओं में चंद लोगों का ही कब्जा हो चुका है। BHU में सर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लड़कियों के साथ छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी की मामलाएं आती है। IIT BHU में एक लड़की के साथ BJP के IT सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर FIR करवा दी। SC ST एक्ट में और महिला छेड़खानी से कई मामलों में हम लोगों के ऊपर FIR करा दी। अगर आप PhD स्कॉलर हैं तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में RTI के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको RSS ज्वाइन करवा दिया है। BJP का कोई भी एक प्रोग्राम हुआ, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे राम, जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम को करिए हर जगह, जैसे RSS और BJP के। अभी कल से एक बनारस में प्रोग्राम चालू हुआ है, शब्दकोश संपूर्णानंद से चालू हुआ, आज विद्यापीठ में हुआ, कल BHU में जाके समाप्त होगा। नाम शब्दकोश है, लेकिन उसमें प्रचार सरकार का किया जाएगा कि मोदी जी ने ये किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है NEP का? NEP की रियल प्रॉब्लम ये है कि दैट सिस्टम इज टोटली, वो बाहर से इम्पोर्ट किया गया है, और हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा, ना ही हमारे स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, ना ही टीचर्स उस तरह से ट्रेंड हैं कि उस तरह के एक एक क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाने के लिए। और NEP पूरी तरह से ये यहाँ का सिस्टम है ही नहीं, जो यहाँ रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया हो, ये बस बेसिकली बाहर से लाके लाद दिया गया टेक्निकली, इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे कभी भी सफल होगा ही नहीं। लगातार कई चुनावी हार के बाद भी राहुल गांधी युवाओं से मिलते मिलते उनकी समस्याओं को समझने लगे हैं। उनसे मिलकर पढ़ाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, कम सैलरी, असुरक्षित जीवन को जानने लगे हैं। अगर ये होमवर्क है तो उन्होंने यह होमवर्क ठीक से कर लिया है। लेकिन क्या राहुल गांधी इन युवाओं की वैचारिक जरूरत को भी समझ रहे हैं? युवाओं को जैसी राजनीतिक वैचारिकी चाहिए, क्या राहुल गांधी उन्हें दे पा रहे हैं? राजनीति में विचारधारा के बगैर कोई पेड़ टिक नहीं पाता है, ना नेता टिक पाता है, ना मतदाता उसके साथ खड़ा रह पाता है। तो क्या हमारा सवाल है कि राहुल गांधी युवाओं को इतनी वैचारिकी दे पा रहे हैं कि वह राहुल गांधी के साथ राजनीति की जमीन पर टिक पाए? राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ में बहुत गहराई और विस्तार से बताया कि कैसे युवाओं के साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। उन्हें क्वालिटी की पढ़ाई नहीं मिल रही है, क्वालिटी की नौकरी नहीं मिल रही है। इन सवालों को राहुल गांधी आबादी के बड़े हिस्से के प्रतिनिधित्व के सवाल से जोड़ देते हैं। बताते हैं कि 73% दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब अपर कास्ट की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है। 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था, मैं ये झंडा हटाइए, हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए यह शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया, और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता।
दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। यूपी में कोई पहली बार पेपर लीक की घटना नहीं हुई है या आरोप लगे हैं, फिर भी जिस समय केंद्र सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का कानून बनाती है, उस कानून के बाद अगर यूपी में पेपर लीक की घटना हुई या चोरी कराने वाले सॉल्वर पकड़े गए, इसका मतलब है कि इस काम में लगे लोगों को बुलडोजर का भी डर नहीं है। 60,000 से अधिक सिपाही की भर्ती की परीक्षा में 48 लाख युवा बाहर निकले थे, पेपर लीक हो गया कथित रूप से, भेष बदलकर परीक्षा देने के आरोप में 244 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षार्थी पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं, मगर यूपी सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है। 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने ट्वीट किया है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। भाषणों से तो यही लगता है कि राहुल गांधी का नव उदारवादी नीतियों पर बहुत विश्वास नहीं रहा। जिस तरह से वे बार बार जाति के सर्वे को संपत्ति के सर्वे से जोड़ते हैं, उससे साफ है कि वे राजनीति में उन बुनियादी सवालों को उठाने की जिद कर रहे हैं जिस पर अब कोई बात नहीं करना चाहता। राहुल गांधी को और भी खुलकर साफ करना चाहिए कि क्या उन नव उदारवादी नीतियों के प्रति उनका विश्वास कमजोर हुआ है, किस तरह से हुआ है बताना चाहिए, जिसे नरसिम्हा राव सरकार ने शुरू किया, मनमोहन सिंह जिस पर चलते रहे, जिसके कारण कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन यहां राहुल गांधी बीजेपी से अलग आर्थिक नीतियों की वकालत भी कर रहे हैं और लकीर भी खींच रहे हैं। जाति जनगणना है, अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं क्रांतिकारी बात कर रहा हूं स्टेज पे, यह आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पे नहीं दिखेगी क्योंकि टेलीविजन अदानी का है। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे, उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। राहुल गांधी अपनी बात पर टिके हुए हैं, सफलता और असफलता से पार जाकर बार बार दोहरा रहे हैं। अभी तक वे नोटबंदी और जीएसटी की बात करते हैं कि कैसे इन दो फैसलों से छोटे व्यापारी, खासकर ओबीसी व्यापारी बर्बाद हो गए। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रतापगढ़ और अमेठी की सभा में राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नहीं उठाया। अमेठी की सभा में जब बोल रहे थे तब तक चंडीगढ़ के मेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई थी। राहुल गांधी ने इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश राहुल गांधी की राजनीतिक असफलता का लंबा दस्तावेज बन गया है। इस राज्य में उन्होंने कई तरह के मुद्दों से अपनी जगह बनाने की कोशिश की,
पैदल चले, रैलियां की, यात्राएं की, मगर यूपी किसी और यात्रा पर निकल चुका है। राहुल गांधी को यूपी की अभी अनंत यात्राएं करनी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी लोकप्रियता और वर्चस्व के चरम पर पहुंचकर महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, बिहार, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में विस्तार नहीं कर सके। इन जगहों पर केंद्रीय एजेंसियों के सहारे लगातार राजनीतिक मुद्दों को खड़ा करते रहे। राज्यपालों को लगा दिया गया, दलों को तोड़ा गया, मगर जनता के मैदान में जाकर बीजेपी के लिए जीत नहीं दिला सके। यूपी में राहुल की असफलता बड़ी है, वैसे ही उनसे भी ज्यादा बड़ी है नरेंद्र मोदी की बंगाल और ओडिशा में राजनीतिक असफलता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।